हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं जुबिन वर्गीस और आप देख रहे हैं मोटर स्पीड इंडिया। सो आज मैं बेसिकली व्लॉग करने वाला हूं 2024 ऑडी क्यूएट ईट्रॉन के ऊपर। बट उससे पहले मैं आपको कीज दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है एंड बूट ओपनिंग करने का भी बटन प्रोवाइड कर दिया गया है। सेंटर में आपको ऑडी का लोगो देखने मिल सकता है एंड की बहुत ही प्रीमियम लग रही है, नाइस टू होल्ड। और बात किया जाए फ्रंट का, बहुत ही सही लग रही है का एंड स्पेशली जो ग्रिल है मेरे को अच्छा लगा, जो कलर स्कीम यूज़ किया गया स्पेशली इन दिस का, इट लुक्स फैंटास्टिक। जो ऑडी का लोगो है वो काइंड ऑफ 2D में है एंड जो रात को ग्लो करती है विच इज़ अ यूनिक टच, यस। और आपको फ्रंट में कैमरा देखने मिल सकता है, फ्रंट सेंसर्स आपको दे दिए गए हैं, टोइंग हुक राइड ओवर हियर, काइंड ऑफ फंक्शनल एयर डैम, यस। और साथ ही साथ हेडलैम्प की बात किया जाए तो बहुत ही स्लीक हेडलैम्प आपको मिल जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं रात को। और फुली LED सेटअप आपको मिल जाता है, डे टाइम रनिंग लाइट्स राइट ओवर हियर, इंडिकेटर्स आपको डायनामिक स्वाइप इंडिकेटर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए इधर एंड स्पेशली इन दिस ब्लैक इट लुक्स अमेजिंग, बहुत ही सही लगती है ब्लैक में। ईट्रॉन का बैजिंग आपको दे दिया गया है एंड दिस द EV, इसलिए इधर ग्रीन नंबर प्लेट दे दिया गया है। एंड साइड प्रोफाइल के बारे में बात किया है तो दिस कार लुक्स फैंटास्टिक, लंबी है फॉर श्योर एंड आप ये प्राइस पॉइंट में एक्सपेक्ट करोगे लंबी गाड़ियाँ, क्यों नहीं। एंड टायर साइज के मामले में बात किया है तो इधर आपको मिल जाते हैं 255/50 और 20 इंच के टायर्स मिल जाते हैं एंड जो अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सही लग रही है। सेंटर में आपको ऑडी का लोगो मिल जाता है एंड रेड ब्रेक कैलिपर्स बहुत ही स्पोर्टी फील करवा रही है फॉर श्योर। आगे और पीछे आपको दोनों डिस्क ब्रेक्स प्रोवाइड कर दिए गए, रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑल द 4 डोर्स में मिल जाते हैं आपको, ORM का साइज बहुत ही बेहतरीन है, बिग इनफ है, सो एज अ व्यूएबिलिटी के मामले में कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। इधर आपको इंडिकेटर प्लेसमेंट दे दिया गया है और नीचे आपको कैमरा प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कर दिया गया है एंड इट लुक्स गुड, द कार लुक्स गुड या। एंड फ्रॉम द बैक दिस इज द SUV जिसमें आपको स्पोर्ट बैक ऑप्शन भी मिलता है जो एक्सटेंडेड है और बहुत ही सही लगती है, उसमें आपको स्लोपिंग रूफ लाइन देखने मिल पाएगा। दिस इज द SUV, इसलिए काइंड ऑफ प्रॉपर SUV स्टैंड दिया गया हुआ है। फ्रॉम द बैक आपको ऑडी का लोगो देखने मिल सकता है, ग्रीन नंबर प्लेट्स एज आई सेड, ईट्रॉन का बैजिंग दे दिया गया इधर एंड कनेक्टेड टेल लैंप आपको प्रोवाइड कर दिया गया, ऑल LEDs है ऑफ कोर्स, ये प्राइस पॉइंट में आप एक्सपेक्ट करोगे। रिफ्लेक्टर्स राइट ओवर हियर, सेंसर्स नीचे आपको दे दिए गए राइट ओवर हियर, या नीचे आपको सेंसर्स प्रोवाइड कर दिए गए। क्यूएट का बैजिंग इन ब्लैक, या सो रेगुलर बिट्स आपको मिलती है जैसे कि डिफॉगर है, हाई एंड स्टॉप लैम्प है, शार्क फिन एंटीना, वाइपर्स, वैसे रेगुलर बिट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए। सो लेट्स ओपन द बूट। सो बहुत ही स्पेशियस है, आराम से आप अराउंड 3-4 बैग्स रख सकते हो, बिग साइज वन, स्पेस सेवर टायर आपको इधर देखने मिल सकता है एंड दिस इज टू रिक्लाइन द सीट्स, बोथ द साइड आपको मिल जाते हैं, काइंड ऑफ बूट लैम्प दोनों साइड आपको मिल जाते हैं, पार्शियल शेल्फ इज गिवन राइट ओवर हियर, यस। सो लेट्स क्लोज इट। सो लेट्स एक्सप्लोर द रेयर सीट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, सो इसमें आपको सॉफ्ट डो क्लोज का फंक्शन मिल जाता है विच इज़ क्वाइट प्रीमियम एंड क्वाइट यूनिक फीचर। एंड अंदर आते ही मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इधर आपको काइंड ऑफ क्रोम एलिमेंट दे दिया गया है विद वन टच अप एंड डाउन में आपको विंडोज़ के कंट्रोल्स देखने मिल सकते हैं, काइंड ऑफ क्रीम स्टिचिंग राइट ओवर हियर, 1 लीटर का बॉटल आप इधर आराम से रख सकते हो, बैंग एंड ऑलिफ्सन का स्पीकर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए इसके अंदर एंड इट लुक्स फैंटास्टिक, लाइक बहुत ही स्पेशियस है, लेट्स गेट इनसाइड। सो लेगरूम भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, अंडर थाई सपोर्ट का ऐसा कोई इश्यू नहीं है एंड फ्रंट डैशबोर्ड ऐसा कुछ देखने मिल सकता है आपको, इट लुक्स नाइस। और 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए गए विद कप होल्डर्स आर्मरेस्ट के साथ और इधर आपको थोड़ा स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया, लेट्स क्लोज इट। या ऊपर के साइड आपको कैबिन लैंप प्रोवाइड कर दिया गया जो बहुत ही अच्छे से ऑपरेट होते हैं एंड इधर आपको हैंडल्स मिल जाते हैं, हुक्स प्रोवाइड कर दिए गए, इधर भी आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं विच इज़ अ वेरी यूनिक थॉट, लाइक कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है इधर विच इज़ अमेजिंग थिंग। सन शेड्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए इधर विच इज़ क्वाइट नाइस। सो सेंटर में दिखाया जाए तो आपको AC वेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए इधर जिसको आप फैन कंट्रोल्स भी कर सकते हो इधर से एंड दिस इज़ द 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल आपको प्रोवाइड कर दिया गया इन द ऑडी Q8 ई-ट्रॉन के अंदर विच इज़ अ ग्रेट थिंग। दिस इज़ द सीक्रेट लाइटर राइट ओवर हियर, ट्विन सी पोर्ट्स देखने मिल सकते हैं आपको एंड काइंड ऑफ मैगजीन होल्डर्स, दिस आर हार्ड प्लास्टिक्स राइट ओवर हियर,
Yes. हेडरूम के मामले में बात किया तो प्लेंटी अमाउंट ऑफ हेडरूम आपको मिल जाता है इधर, एंड रिक्लाइन एंगल भी इट्स डीसेंट आई गेस. लेट्स एक्सप्लोर द फ्रंट डैशबोर्ड राइट ओवर देयर. लेट्स क्लोज इट. ओपन द फ्रंट डोर्स एंड इधर आपको पावर एंड कंट्रोल देखने मिल सकते हैं. ये आपके ओएमएस के कंट्रोल है बेसिकली. यस, एंड ये आपको लॉक अनलॉक करना तो आप इधर से कर सकते हो. दिस आर द मेमोरी सेटिंग्स फॉर द सीट्स. ये आपके बूट ओपन करना तो आप इधर से कर पाओगे. एंड लेट्स गेट इनसाइड. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एयर कंडीशनर बंद करना पड़ेगा. या देयर गो. लेट्स क्लोज दिस. क्लोज द प्रॉपर थर्ड. सो आई एम इन द फ्रंट सीट्स ऑफ ऑडी Q8 e-tron. जो डैशबोर्ड है बहुत ही बेहतरीन है. जो क्वालिटी है, इवन सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए बहुत सारी जगह. एंड जो मेटालिक फिनिश है काइंड ऑफ बहुत ही सही लग रही है. एंड लेट्स चेक द ग्लव बॉक्स. बहुत ही डीप ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है विद कारपेटिंग राइट ओवर हियर. पेन होल्डर आपको प्रोवाइड कर दिया गया इधर. और वेंट्स, एसी वेंट्स भी बहुत अच्छे से इंटीग्रेट किए गए इधर. ईट्रॉन का बैजिंग आपको देखने को मिल सकता है इधर. एंड ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कैबिन आई वुड लाइक टू से दैट. इधर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है अलॉन्ग विद द लाइट सनशीट्स के अंदर. एंड सेम एज द केस राइट ओवर हियर. सो बात किया जाए स्टेयरिंग व्हील की, बहुत ही लाइट स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड कर दिया गया इसके अंदर. सो सिटी ड्राइवेबिलिटी बहुत ही बेहतरीन होने वाला है फॉर श्योर. एंड ऑडी का लोगो आपको सेंटर में मिल जाता है. एंड साथ ही साथ इधर आपके काइंड ऑफ इंडिकेटर्स के टॉगल होगा. ये आपके वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं. दिस आर फॉर द हेडलैम्प्स. ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स एंड ऑटोमेटिक वाइपर्स आपको प्रोवाइड कर दिएगा इसके अंदर. और स्पेशली बात किया जाए इंफोटेन सिस्टम की, इट इज़ वेरी स्लीक. बहुत ही सही तरीके से काम करती है. जो इंटरफेस है वो बहुत बेहतरीन है. नेविगेशन आपको इधर प्रोवाइड कर दिया गया है. एंड हैप्टिक टच फील देती है विच इज़ अमेजिंग. इट फील सो ग्रेट लाइक लिटरली बहुत ही सही लग रही है. एंड डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में दिखाया तो सो कॉकपिट डिमिंग आप कर सकते हो. ब्राइटनेस जितना चाहिए आप घटाना हो घटा सकते हो, बढ़ाना हो बढ़ा सकते हो. ऑडी वर्चुअल कॉकपिट के आपको कंट्रोल्स इधर मिल जाते हैं. अगर आपको स्पोर्ट काइंड ऑफ इंटरफेस में चाहिए तो आप इधर से कॉन्फिगर कर सकते हो. एंड ईट्रॉन स्पेसिफिक कॉन्फिगरेशन भी है इधर आपको मिल जाता है विच इज़ अ ग्रेट थिंग. सो टन्स ऑफ फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं. एंड बहुत अलग अलग स्क्रीन्स आपको डेडिकेटेड मिल जाते हैं. ये आपके एसी कंट्रोल्स के स्क्रीन हो गए स्पेशली फॉर द एसी कंट्रोल्स. यस, सो इधर से अगर आपको 4-zone क्लाइमेट कंट्रोल कंट्रोल करना हो तो आप इधर से कर सकते हो विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग. या सो हैजर्ड लैम्प का बटन आपको इधर देखने मिल सकता है. सो डिफॉगर ऑन करना हो तो आप इधर से कर सकते हो. ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन आपको इधर प्रोवाइड कर दिया गया है. दिस इज़ द ड्राइव सेलेक्ट. आप इधर से ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो. सो देयर आर 8 ड्राइव सेलेक्ट्स. एफिशिएंसी, कंफर्ट, ऑटो, डायनामिक, इंडिविजुअल, ऑल रोड, ऑफ रोड, टन्स ऑफ फीचर्स. सो इट्स अ ग्रेट थिंग. एंड आप राइड हाइट बढ़ा सकते हो घटा सकते हो इधर से. सो इट हैज़ गॉट एडाप्टिव डैम्पर्स. एयर सस्पेंशन आपको इसके अंदर मिल जाता है विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग. एंड इवन द स्पोर्ट्स बैक में आपको मसाजिंग सीट्स एंड वेंटिलेटेड एंड हीटेड सीट्स आपको मिल जाते हैं विच इज़ फैंटास्टिक थिंग. या सो बाय द वे सीट्स आपको ऑल लेदरेड सीट्स मिलते हैं. एंड स्पेशली जो ब्राउन कलर मेरे को बहुत ही पसंद आया. और सेंटर कंसोल में दिखा है तो इट्स बिट बिजी बट फिजिकल कंट्रोल्स है थोड़े से तो आई गेस अच्छा लग रहा है मेरे को. दिस इज़ द 360 डिग्री पार्किंग कैमरा जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है. दिस इज़ द 3D व्यू. या इट लुक्स सो फैंटास्टिक लाइक क्वालिटी वाइज दिखा है तो बहुत ही बेहतरीन है. वेरी स्लीक टू यूज़, फैंटास्टिक क्वालिटी सेंसर्स काइंड ऑफ आप इधर से दिख पाओगे जो फिगर है सेंसर्स का. या सो सेंटर में दिखाया तो सिगरेट लाइटर आपको मिल जाता है. एश ट्रे इधर प्रोवाइड कर दिया गया ऑडी के लोगों के साथ. ट्विन कप होल्डर्स आपको इधर मिल जाते हैं और जिसको आप क्लोज करना हो तो ऐसे क्लोज भी कर सकते हो. यस, और इधर आपको बेसिकली ये आपके वायरलेस चार्जर है जो आप इधर से चार्ज कर सकते हो फ़ोन को. सो ट्विन टाइप सी के पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं इधर. और आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस प्रोवाइड कर दिया गया. आर्मरेस्ट काइंड ऑफ एक्सटेंड नहीं होता बट बहुत ही सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया इधर. और ऊपर के साइड दिखाया तो टच सेंसिटिव लाइट्स देखने मिल सकते हैं आपको. एंड ये आपके लैंप्स टर्न ऑन करने के लिए बटन डेडिकेटेड बटन दिया गया है. ये आपके सनरूफ ओपन करना हो तो आप इधर से विद अ वन टच आप सनरूफ ओपन कर सकते हो. दिस इज़ द पैनोरामिक सनरूफ विच इज़ ग्रेट और बहुत ही एयरी फील लेके आती है कैबिन के अंदर विच इज़ फैंटास्टिक. यस, और इट लुक्स नाइस. जो ओवरऑल कैबिन है जो एरीनेस फील लेके आ रही है विच इज़ अमेजिंग. या
सो बाय द वे आयर व्यू सबको फ्रेमलेस मिल जाते हैं जो ऑटो डिमिंग के साथ आते हैं, इज ऑल्सो वेलकम फीचर या नाइस फीचर बाय द वे। एंड ये जो वेंस दिख रहे हैं बेसिकली वो डिफॉगर काइंड ऑफ काम करेंगे, जो अगर इधर फॉग भर गया हो तो ये हेल्प कर सकते हैं आपके फॉग को निकालने के लिए, विच इज़ अनदर ग्रेट थिंग, लाइक बहुत अच्छा थॉट है। और इसके अंदर आपको अराउंड 30 एम्बिएंट लाइटिंग्स मिल जाते हैं, सो आप देख ही पा रहे होंगे एम्बिएंट लाइटिंग्स विच लुक्स फैंटास्टिक। या एम्बिएंट लाइटिंग एक्सेस करने के लिए आपको कार के अंदर जाना पड़ेगा बेसिकली, एंड उसके बाद आप इधर से लाइट्स एंड विजन, बैकग्राउंड लाइटिंग, सो इधर से आप एक्सेस कर सकते हो लाइट्स को इंडिविजुअल में जाके, आप इधर से कॉन्फिगर कर सकते हो सरफेसेस या कलर्स। सो देर आर 30 कलर्स राइट ओवर हियर, इट्स अ ग्रेट थिंग। एंड बहुत सारे टन्स ऑफ फीचर्स आपको इधर मिल जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ एक मिनट, हाँ, ऑडी ड्राइव सेलेक्ट, चार्जिंग डिटेल्स एंड एसी सीट्स के कंट्रोल्स आपको इधर देखने मिल सकते हैं। सो इन द स्पोर्ट बैक आपको इधर सीट्स के अंदर मसाजिंग सीट्स के फंक्शन आपको इधर देख पाओगे, पार्किंग एड बाय द वे। इसके अंदर आपको एडास फीचर्स भी मिल जाते हैं, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग जैसे फीचर्स आपको इसके मिल जाते हैं। एंड दिस द गैस सेलेक्ट राइट ओवर हियर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको इधर मिल जाता है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इधर प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड ये आपके मैनुअल कंट्रोल्स है फॉर द ऑडियो, अगर ट्रैक चेंज करना हो जैसे चेंज कर सकते हो। लेट्स लिसन टू द ऑडियो, द ऑडियो क्वालिटी इज नेक्स्ट लेवल मैन, बहुत ही सही लग रही है, बहुत ही सही बेस एंड ट्रेबल है। एंड स्टीयरिंग व्हील की बात किया है तो इधर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं बेसिकली वर्चुअल कॉकपिट के, जैसे आप कंट्रोल कर सकते हो बेसिकली, यस। सो फीचर लोडेड कार है बेसिकली, और काइंड ऑफ इधर आपको टॉगल मिल जाता है, ये आपके फ़ोन लेना हो डिक्लाइन करना आप इधर से कर सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन आप इधर कर पाओगे, ट्रैक चेंज करना हो तो आप इधर से कर सकते हो, ये आपके क्रूज कंट्रोल की सेटिंग्स हो गए। एंड इफ़ यू वांट टू एडजस्ट द स्टेयरिंग व्हील आप इधर से कर सकते हो, सो टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आपको प्रोवाइड कर दिया गया है इधर, और काइंड ऑफ कभी स्पेस आपको इधर मिल जाता है विच इज़ वेरी डीप, सो प्रॉपर डेड पेडल आपको मिल जाते हैं इधर। एंड ओवरऑल मैंने सारे फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दिस परफॉर्मेंस। सो परफॉर्मेंस के मामले में बात किया है तो इसमें आपको मिल जाते हैं दो वेरिएंट्स बेसिकली, 50 एंड 55। 50 में आपको बेसिकली 95 किलोवाट का बैटरी पैकेज मिलता है, जो पहले अराउंड 75 में था, 75 किलोवाट का बैटरी मिलता था, अभी इसमें बढ़ा दिया है, जो फेसलिफ्ट है उसमें 95 किलोवाट का बैटरी मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करते हैं अराउंड 334 हॉर्सेस। एंड ओवरऑल रेंज की बात किया है तो 582 किलोमीटर्स का रेंज मिल जाता है इन 100% चार्ज, विच इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। एंड द सेकेंड वन इज़ द 55 काइंड ऑफ वेरियंट, जिसमें आपको 114 किलोवाट का बैटरी पैकेज मिल जाता है, जो प्रोड्यूस करता है 402 हॉर्सेस, एंड जो क्लेम रेंज है वो आपको मिल जाता है 600 freaking kilometers, which is amazing. Yeah. So overall, this car is amazing. Like competition में आपको देखा जाए तो इसमें यही प्राइस पॉइंट में आपको BMW iX मिल जाएगा, जो आई काइंड ऑफ लिटरली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ इट, कि डिज़ाइन वाइज बहुत पोलराइजिंग है, इसका डिज़ाइन मेरे को अच्छा लगा, अ काइंड ऑफ ट्रेडिशनल कार के टाइप डिज़ाइन है, विच इज़ नाइस, लाइक मेरे को पर्सनली ये कार अच्छा लगा कंपेयर टू द BMW iX। सो दिस इज़ द फ्लैगशिप, वन ऑफ द फ्लैगशिप SUVs, इलेक्ट्रिक SUVs जो ऑडी सेल करती है इन द इंडियन मार्केट्स, एंड इट इज़ फैंटास्टिक, जो भी फीचर्स आपको प्रोवाइड करती है इन दिस प्राइस पॉइंट, जो भी क्वालिटी है, एंड इवन द रेंज, जो परफॉर्मेंस आपको मिल जाता है इसके अंदर, इवन द क्वाट्रो सिस्टम वर्क्स ब्रिलियंटली वेल इन दिस कार, एंड या सो वॉट नॉट गाइज, बहुत ही बेहतरीन फुल पैकेज आपको मिल जाती है इन दिस होल कैटेगरी, जो सेगमेंट वाइज बोल सकते हैं। सो दिस वॉज माई इंटर प्रिव्यू ऑन द ऑडी Q8 e-tron। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।